मेरा नाम निर्मल खरे है। मैं इधर नीम का गांव में रहता हूं और मैं पिछले 10-12 सालों से मेट्रो हॉस्पिटल में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूं। मैं कपड़े पहन रहा था तो मेरे लेफ्ट पांव और लेफ्ट हैंड जो है वो काम करना बंद कर दिया। पूरा पांव ना टिक नहीं रहा था नीचे धरती पे, उंगली उंगली टिक रही थी तो घिस के चल पा रहा था मैं उसको। फिर मेरे भाई ने देखा तो मेरे को सीधा, मैं मेट्रो हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ तो सीधा वो यहीं पे ले आए। 20-25 मिनट में मैं यहाँ पे आ गया था। मिस्टर निर्मल खरे मेरे एक पेशेंट हैं, 31 साल के यंग नौजवान जिनको अचानक ब्रेन के लकवे का अटैक पड़ा। काफ़ी बड़ा अटैक इनको ब्रेन के लकवे का पड़ा जिसके चलते इनकी बाईं तरफ का हाथ और पैर चलना एकदम बंद हो गया और इनके चेहरे में टेढ़ापन आ गया। अटैक काफ़ी बड़ा था लेकिन इनके घर वालों ने समझदारी दिखाते हुए बहुत जल्दी इनको हॉस्पिटल में पहुंचाया। जब इमरजेंसी में लाए तब तक तो पता नहीं, उसके बाद फिर मैं आईसीयू में गया। आईसीयू में फिर जब थोड़ा होश आया तो मैंने देखा कि डॉक्टर सुषमा शर्मा से मेरा इलाज चल रहा है। जब मैंने इनकी जाँच की तो लगा कि स्ट्रोक काफ़ी बड़ा हो सकता है। तुरंत हमारी सारी टीम, जिसमें कि हमारी इमरजेंसी की टीम, हमारी रेडियोलॉजी की टीम और हमारी आईसीयू की टीम और हमारे न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट बैकअप, वो सारे एक्टिवेट हुए। निर्मल जी, हाथ उठाना, अपना हाथ उठाओ, जो उठ रहा है वो वाला उठाओ, दूसरा हाथ जितना उठता है उतना उठाओ। नहीं हिल रहा, ठीक है। हमने इनका तुरंत सीटी स्कैन किया, पाया कि दिमाग को जाने वाली, दिमाग की दाईं तरफ को जाने वाली एक बड़ी नस, जिसे हम मिडल सेरेब्रल आर्टरी का प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं, उसमें एक बड़ा क्लॉट था और उसके चलते दिमाग की तरफ का एक बड़ा हिस्सा डेंजर में था पूरी तरह से खराब होने के। इतना हिल रहा है ना, तो ऊपर उठा के देखो इसमें। दांत दिखाओ कि टाइम वेस्ट ना करते हुए आधे घंटे के अंदर अंदर हमने इनकी दवा वाली टेक्निक से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और 1 घंटा 20 मिनट के अंदर अंदर हमने मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी भी अचीव की, जिसमें कि हमें प्रोसीजरल बैकअप दिया हमारे न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट डॉक्टर निश्चिंत जैन ने। इनका क्लॉट सफलतापूर्वक हम इनके जो नस में फंसा हुआ था उसे बाहर निकाल पाए। दांत दिखाओ, गुड। अपना नाम बोलो। निर्मल। ठीक है, पैर उठाओ। ठीक, अब ये वाला भी उठा के दिखाओ। वेरी गुड। अब ये उठाओ, ये नहीं चल रहा था ना, ये भी उठाओ। उठाओ 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 उठाओ, यहाँ तक लेके आओ। वेरी गुड, नीचे करो, होल्ड कर दो। गुड गुड, हाथ भी उठाओ, हाथ उठाओ। ठीक है, अब ठीक लग रहा है? ठीक है, वेरी गुड। ठीक, ये सही इलाज अगर इनका सक्सेसफुली ना मिल पाता तो वेंटिलेटर पे जाने का, जान का खतरा होने का अंदेशा था। ऐसे पेशेंट को 2 दिन के अंदर अंदर हम काफ़ी मोबिलाइज कर पाए, उनकी सारी न्यूरो डेफिसिट जो था वो रिकवर हुआ, उनकी बायां हाथ बायां पैर जो लकवाग्रस्त हो चुका था उसकी पावर वापस आ गई, स्ट्रोक रिवर्स हो गया और हम 4th दिन इनका डिस्चार्ज भी कर पाए। अब मैं ठीक हूँ, मेरा पाँव हाथ सब ठीक हैं, अच्छे से काम भी कर रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा वैसे भी वजन का काम है तो मैं वजन भी उठा लेता हूँ अपने हाथों से, तो सब काम कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव न्यूरोलॉजिस्ट, वी हैव न्यूरो इंटरवेंशनलिस्ट, वी हैव अ वेरी गुड आईसीयू, वी हैव द फैसिलिटी फॉर आईवी थ्रोम्बोलिसिस एज वेल एज मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी एंड ऑल पोस्ट स्ट्रोक केयर एंड रिहैबिलिटेशन। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे से काम कर लेता हूँ अब, और मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हूँ तो हमारा काम भी कुछ ऐसा ही है, भारी उठाना धरना, भारी वजन, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं उठा धर लेता हूँ आराम से। सो माई मैसेज टू द सोसाइटी इज प्लीज़ डोंट इग्नोर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक एंड ट्राई टू गेट द पेशेंट टू नियरेस्ट स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स व्हेन गिवन प्रॉपरली इन अ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कैन इफेक्टिवली रिवर्स द स्ट्रोक एंड क्योर द स्ट्रोक। थैंक यू।